अबे ये क्या कर दिया? अच्छा क्या कर लेगा भाई तू? रुक, स्वाद नहीं आया, एक होर मरेगा। लक्कड़ दे बल्ले वर्गा तेरा शरीर, अक्कड़ देख ले किन्नी चक्की फिरदा। ਉੱਤ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਗਰਾ। ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਪਰ, ਦੇਖਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੁਝ ਮੇ। ਆ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ ਕੱਲਾ? ਜੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਵਾਟਰ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਰੈਂਗਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਊਗੀ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। सूखे की धमकी के बाद काला दी गैंगस्टर वहां से बचकर भाग जाता है। वो पहाड़ी से कूदकर रोड पर चला जाता है। रोड पर उसको एक गाड़ी वाला दिखता है जिससे वो मिलिट्री बेस एयरपोर्ट तक लिफ्ट लेता है। और फिर प्लेन से शेनॉक चला जाता है। जिंदगी में पहली बार किसी ने काला दी गैंगस्टर को इरेंगल से भगाया है। बहुत बड़ी से भी बड़ी गलती कर दी उस सुक्के ने। उसको मारकर उसी की क्रेट को चील कौओं को नहीं खिलाया ना, मेरा नाम भी काला दी गैंगस्टर नहीं। अरे ये कौन बेवड़ा सड़क के बीच से जा रहा है? अबे हट बे हट। कौन है बे सालो, यहीं टपका दूंगा। अरे भाई आप काला दी गैंगस्टर हो क्या? हाँ हूँ, पर तू कैसे जानता है मुझको? अरे भाई आपका बिग फैन हूँ मैं, आपको फॉलो करता हूँ, पहचानूंगा कैसे नहीं। वैसे भाई आप यहाँ सैनुक में कैसे, और वो भी अकेले? अरे रेंगल में एक नया लौंडा है सुक्का, उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया और मुझे मजबूरन इरेंगल छोड़कर भागना पड़ा, नहीं तो वो मुझको भी मार देता। पर भाई वो आपके पीछे क्यों पड़ा है? अरे मेरे आदमी ने उसकी गाड़ी में हमारी गाड़ी ठोक दी और फिर झगड़ा हो गया और बात आ गई मरने मारने पर। पर मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ, तू ऑटो वाला थोड़ी मेरी मदद कर देगा? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, आप बैठो मेरे साथ, आपको लेकर चलता हूँ कहीं पर। पर कहाँ? ये मत सोचना काला दी गैंगस्टर अकेला है तो डर जाएगा, अभी भी 1v4 क्लच मार सकता हूँ मैं। नहीं नहीं भाई आप चलो तो सही एक बार। आइए भाई मेरे साथ, ये देखिए ये है सैनुक की ऑटो यूनियन और मैं हूँ यहाँ का प्रधान, हम सब आपके साथ हैं। तुम लोग मेरी सच में मदद करना चाहते हो? इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। अरे भाई आप हुक्म करो, उस सुक्के को इरेंगल से यहाँ उठा लाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस सुक्के की आखिरी गिनती चालू हो चुकी है अब। पर भाई एक प्रॉब्लम भी है, हम इरेंगल जाएंगे कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपने अपने हथियार उठा लो। अब टाइम आ गया है,
रिटर्न ऑफ द काला दी गैंगस्टर। हम सब बोट से रेंगल चलेंगे, 2 बोट खरीद लो, जितनी ओसी चाहिए मुझसे ले लेना। ठीक है भाई, ये काम मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है, जाओ तुम, हम सभी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तब तक तुम सब चीजें रेडी रखना वहां पर। ठीक है भाई, हो जाएगा, मैं चलता हूँ। पूछना बाबे किवें आ? कुछ नहीं सूखा भाई, मैं तो ये सोच रहा था उस दिन काला दी गैंगस्टर को भगाने की जगह हमें उसे खत्म ही कर देना चाहिए था। ओ नहीं नहीं पुत, जंगल च दहशत बनाने लिए गिदड़ा नु मारन दी लोड़ नहीं हुंदी, उन्हां नु दहाड़ नाल भी डराया जा सकदा। पर भाई कई बार गिदड़ भी ऐसा मौका देखकर शिकार करते हैं कि आप कुछ करने लायक नहीं रहते। ओ कोई नहीं बाबे, तू टेंशन ना ले, तूने रंगल च कोई ऐसा पैदा नहीं होया जो सुखे दा सामना कर सके। ये तो आपने सही कहा भाई, अब तो पुलिस वाले भी अपने पास नहीं आ सकते, अब तो सच में पूरे रेंगल में सूखा सूखा हो रही है। और मैं पहला ही क्या सी यारा, रेंगल ते राज करना राज, वैसे ही इस दुनिया च मौत तो मिलनी ही आ, भावे अज मिल जे या कल मिल जे। हाँ भाई, जितने दिन जियो मजे में दहशत वाली जिंदगी जियो। सही गल आ बाबे, जिंदगी जीनी तो इदा जियो कि सारी अंतरात्मा भी जैलस हो जाए। ये बात तो आपने बिल्कुल 100% सही बोली। चलो भाई मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। और रुक गल सुन, कल मैनू काम ते रोज हो जाना, जे तेनू टाइम मिल जे तां आ जी, नहीं तो मैं आप ही सांभ लूँ फिर। हाँ ठीक है भाई, मैं तो आपको बता दूंगा अगर आऊँगा तो, पर आप अकेले जाओ तो थोड़ा संभल कर जाना, आपके दुश्मन बहुत हो गए हैं। ओ कोई चक्कर नहीं वीरे। चलो सभी बोट में बैठो, चलते हैं। मेरे पीछे पीछे चलते रहना, इरेंगल में मैंने 2 गाड़ियों का इंतजाम भी कर दिया है, वो हमें आगे ही खड़ी मिलेगी। चलो पहुंच गए, ये खड़ी हमारी गाड़ियाँ भाई। पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा, यहाँ कोई इतना आता जाता नहीं है। ठीक है भाई, अब क्या करना है? मेरे साथ चलो। अपने 1 या 2 खबरियों को काम पर लगाया था, उन्होंने बताया है सुक्का रोजोक ब्रिज पर किसी से मिलने आने वाला है आज 11 बजे। तो भाई हम वहीं चलकर टपका देते हैं ना उसको? ऐसे नहीं, उसको अब उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तला टीपीपी लेकर पुलिस वालों को मारता है, ज्यादा बंदे लेकर मुझको डराता है, हम साले को AWM से हेडशॉट मारेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाई, साला धोखेबाज आदमी है, अपने फायदे के लिए किसी को भी मार देता है। चलो अब चलते हैं, वहां पर पोजीशन ले लेंगे अपनी। यार आया नहीं, हो 9 बज गए,
ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੁੱਖਾ ਡਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਕਰ ਆਈਏ ਅੱਜ ਰਜ਼ੋਕ 'ਤੇ। सुनो आप सभी, सभी को अलग अलग पोजीशन लेनी है। दो बंदे ब्रिज के साइड छुप जाओ और दो बंदे रोजोक के घरों की साइड। अगर वो गलती से भी बच जाए ना तो साले को गाड़ी के साथ ही फोड़ देना। ओके भाई, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सबको अपनी पोजीशन पे खड़ा करवा दूंगा। बहुत बढ़िया, और तुम मेरे साथ रहना, आज सुक्के का आखिरी टाइम है। उस दिन मेरे साथ किया था उसने, उसका बदला आज पूरा होगा। चलो सभी पोजीशन ले लो, टाइम हो गया है, वो कभी भी आता ही होगा। भाई भाई वो देखो, लाल डासी आ रही है एक। भाई ये साला अकेला ही है आज तो। भाई अकेला तो है ही, पास जाकर ही मार देते हैं ना। नहीं नहीं साला, पता नहीं बंदे कहां से बुला लेता है, एकदम से 5 से 10 गाड़ियां निकल आती है। फिर तो साले को बिना पता लगे हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। हाँ सही कहा, अभी देखना मेरा कमाल का हेडशॉट। और ये बूम, इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ काला दी गैंगस्टर इन इरेंगल। क्या बात है भाई, अब तो वापिस इरेंगल में काला जी गैंगस्टर का राज होगा। आज से तुम सभी मेरे साथ ही रहोगे, तुमको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। जी भाई। तुमको अभी एक काम और करना है। क्या भाई बताओ। यहाँ के हर एक बंदे के पास ये खबर पहुँचा दो कि काला जी गैंगस्टर इज बैक। ठीक है भाई, आप इसकी टेंशन मत लो। अब इरेंगल में कोई गलत काम नहीं होगा, कोई करेगा भी तो उसको उसी की भाषा में समझाएंगे। चलो अब। सो गाइज यार, आप सभी की हाई डिमांड पे काला दी गैंगस्टर वापस आ चुका है। और अभी यार आप लोग बिना लाइक करे गए ना तो मतलब बस बात अलग ही हो जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे देख लो यार, अपने बस 5000 होने वाले हैं, जल्दी से 5000 फॉलोअर्स करवा दो। और इंस्टाग्राम पे भी कुछ छोटी मोटी वीडियोज आती रहा करेंगी बीच बीच में, एक एक दो दो मिनट की, तो वहाँ पे IGTV में तो फॉलो ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। और आप सभी को जो वीडियो मतलब टॉपिक वगैरह है ना, कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, ताकि मेरे को आसानी हो थोड़ी सी, बढ़िया बढ़िया सी वीडियो आ पाए आप सभी के लिए। तो बस कर दो कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो एक बार फिर।